हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल स्वस्थ और बहुत खुश। आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगी, वो है शब्दों का जाल। इसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बातें भी शेयर करूंगी, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, पहला कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगी, आप जानबूझ के करती हो, तुम में अकल नहीं है, तुम कब सुधरोगी, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, कब सीखोगी, कब सुधरोगी, अपने दिमाग को खोलो। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सब सुनकर क्या आप मुझसे अट्रैक्ट होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं और कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ नेगेटिव टॉक किया, सिर्फ नेगेटिव बातें करी, मैंने आपको इनकरेज नहीं किया, ना ही मैंने आपको पॉजिटिव सपोर्ट दिया, इसीलिए आप मुझसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्या हमसे कोई अट्रैक्ट होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम गलत शब्दों को यूज़ करते हैं। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हम अपनों के लिए ही कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे जब हमें समझ आती है, तब हमें पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं और हमें क्या बोलना चाहिए। अब हम इसके अपोजिट बातें करेंगे, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये सुनकर आपको कैसा लगा। तुम्हारे अंदर सीखने की लगन है, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारी सोच पॉजिटिव है, तुम्हारे काम में परफेक्शन है। अगर कोई गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये सुनकर कैसा लगा। ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ पॉजिटिव बातें करी, आपको इनकरेज किया, आपको आगे बढ़ाया। अगर बच्चे से कोई गलती हो भी जाती है तो हम उसे इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं कि वो डर के मारे उससे और गलती हो जाती है। तो कोशिश करिएगा कि हम उससे प्रेम से बातें करें। अगर कोई गलती कर भी दिया तो कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। बात यहीं ख़त्म हो गई। बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ गया, एक बच्चे के अंदर पॉजिटिव सोच भी आ गई। और आप देखिए, जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं या हम उसे इनकरेज करते हैं, तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता या कार्य करने का शौक, किसी भी तरीके का शौक, और भी मन करता है कि मैं करूं। बहुत ज़रूरी है कि हमारे शब्द बहुत अच्छे हों, सटीक हों, पॉजिटिव भी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे गलत बात भी सही बोलनी है, हमें गलत बात भी सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से कहनी आनी चाहिए। सपोज अगर वो रसोई में कोई काम करती है और उससे नमक बहुत तेज हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? तुमने क्या कर दिया, नमक तेज कर दिया, इतना नमक कोई खाता है क्या, ध्यान को तुम्हारा कहीं और था क्या? और इसी बात को अगर हम ऐसे कहेंगे, बेटा आज की सब्जी में नमक थोड़ा तेज हो गया है, आगे से ध्यान रखना। हाँ, अब इसमें चलो सोचो क्या कर सकते हैं जो नमक को कम कर दे, या साइड में तुम ऐसा करो कुछ और बना लो। देखिए वो कितना खुश होगी, आगे से कितना ध्यान रखेगी, और आपके लिए उसके मन में एक रिस्पेक्ट की भावना भी बढ़ेगी। तो कोशिश करिएगा कि इन शब्दों के जाल से अपने आप को चेक करिएगा कि हम कैसे शब्द यूज करते हैं। हम आज से प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे, हमेशा इनकरेज करेंगे, हम अपने लिए भी करेंगे और हम अपनों के लिए भी करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।